अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले बताइए मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मतलब मैं आई ब्लॉग स्टार्ट किया और सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन कर दिया कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है, क्योंकि मैं किससे पूछूंगी, आपसे पूछूंगी ना कि कैसा मेकअप हुआ है। क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने कि चलो मेकअप ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जी होगा नहीं, है ना। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी काम नहीं आता है। तो क्योंकि मेरे लिए आई मेकअप जो है सबसे ज़्यादा कठिन हो रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं करने की कोशिश करती हूँ तो मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ कि नहीं अभी भी मैंने किया ही, देखिए मैंने इस तरीके से किया है। क्योंकि मेरे सूट में जो है येलो और ब्लू कलर है ना, तो मैंने कि इसका ही कॉम्बिनेशन करके बनाकर देखती हूँ कैसा लगता है। तो लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, जैसा होना चाहिए, जैसा मैं वीडियोस वगैरह में देखती हूँ वैसा नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने किया क्योंकि आयनाया सो रही थी, आलिया कोचिंग गई थी, तो बस मैं और काम करने के भी कुछ मन नहीं कर रहा था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करे, क्योंकि सुबह ही काफ़ी मेहनत हो गई थी। और घर के अंदर काम करने में इतनी थकावट नहीं होती है जो धूप में काम करने से होती है। तो आज जो है, जो छत आपने देखी थी ना पूरी भरी हुई थी कबाड़े से, तो वही आज क्लीन की थी आंटी की मदद से ही। आंटी ने मेरी पूरी बराबर से मदद की है। तो आंटी का यहाँ से काम हो गया था, फिर मैं ऊपर चली गई थी और खाना मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए मैं पहले से ही चली गई थी। तो मैं सामान वगैरह उठाने लगी थी जो मुझे यहाँ रखना था, तो मैंने अभी छीने पर रखा है, सिर्फ नीचे तक नहीं लाई हूँ, तो अभी नीचे लेकर आऊँगी बाद में। और जो मुझे कबाड़ा एक साइड रखना था वो पूरा मैंने एक साइड रख दिया। अब ये लोग चाहेंगे तो बेच आएंगे उसको, क्योंकि उसको रखने से क्या फ़ायदा है। और जो यूज का सामान है वो भी अभी रखा है, लेकिन धुलाई जो है अच्छे से हो गई है। और एक बात, था कमेंट आ रहा था कि आप बच्चों का रूम ज़रूर तैयार करना, तो रूम जो है, जो हमारा बगल वाला स्टोर रूम था ना, वो खाली हो गया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से धुल गया है, बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसको ही मैं बच्चों का रूम बना देती हूँ, मतलब जो उनके टॉयस वगैरह है ना वो रख दूंगी उसमें, और अच्छे से उसको सजा दूंगी, डेकोरेट कर दूंगी, लाइट वाइट से बैनर वगैरह लगा दूंगी उसमें। तो इस तरीके से मैं जो है बच्चों का उसको रूम बनाने की सोच रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं उसको बना दूँ ना, बच्चों का रूम मतलब टॉयस रूम उसको, तो बच्चों का जब भी मन हुआ करेगा तो वो खेलने करेंगे, और एक तरह का रूम भी जो है यूज में आ जाएगा, वरना वो ऐसे ही पड़ा रहे, क्योंकि अब तो सारा सामान हटा ही दिया है। और अगर कबाड़े का सामान रख देंगे फिर से थोड़ा बहुत जो है, तो फिर से वो एक कबाड़ घर बन जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको टॉयस रूम बना देती हूँ, जिससे वो यूज भी होता रहेगा और वक्त वक्त पे उसकी सफाई भी होती रहेगी। बस एक डर है कि छुपकलियाँ उधर बहुत सारी हैं, तो बस वही भगाने का मैं इंतजाम सोच रही हूँ। कि आंटी से मैंने बोला कि आंटी छुपकली कैसे भगाऊँ, मतलब अभी तो भग गई हैं, लेकिन डर लगता है कि फिर से ना उसके अंदर आ जाए, क्योंकि आसपास रहती हैं, एक पाइप लगा हुआ है उसमें रहती हैं बहुत सारी छुपकलियाँ। तो आंटी बोल रही थी कि आप अंडे के छिलके रख दो, उसकी बदबू से मच्छरान से वो भग जाएंगी, और ये बोल रहे हैं कि प्याज रख देना। तो अब मैं सोच रही हूँ ये चीज़ें रख कर देखती हूँ, अगर छुपकलियाँ नहीं आती हैं तो फिर मैं उसको रूम बना दूंगी, क्योंकि डर लगता है। देखिए बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते, और वैसे भी आलिया से जैसे ही मैंने बोला ना कि आलिया इसको रूम बना दे तुम्हारा, तो आलिया बोलती है मम्मी इसमें तो छुपकली छुपकी है, नहीं मेरा रूम मत बनाना। क्योंकि उस टाइम पर छुपकली थी अंदर, लेकिन अब तो आंटी ने धोया, मतलब पूरा जो है भाग गई है सब बाहर, अंदर एक भी छुपकली नहीं है, लेकिन डर है। तो मैं अंडे वगैरह जैसे ही बनाऊंगी तो उसमें रखाऊंगी और एक दो दिन वेट करूंगी, अगर छुपकली उसके अंदर नहीं आती है तो फिर मैं उस रूम को तैयार करती हूँ। वैसे भी मैं जाली वगैरह मंगा रही हूँ, क्योंकि खिड़की बंद हो जाएंगी तो फिर कहीं से नहीं जाएंगी। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं। जब मैं बातें करती जाती हूँ तो फिर बातें निकलती जाती हैं, और फिर जब मेरा टाइम पे जाता है अरे इतनी मिनट हो गई है अब नहीं करते हैं, और तो क्योंकि फिर कमेंट आएंगे, इसलिए चलो छोड़ो। मतलब हाँ मैं मतलब उस रूम को बच्चों का रूम बनाने की सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि मैं उसको बच्चों का रूम बना दूँ सिर्फ खेलने के लिए, बच्चे रहते तो नीचे ही, बस खेलने के लिए, और उनके टॉयस अच्छे से रख जाएंगे, जम जाएंगे, इसलिए मैं बनाने की सोच रही हूँ। और बस धीरे धीरे अभी चालू है हमारा कार्यक्रम सफाई करने का, तो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि अब क्या चेंज किया है, अब क्या चेंज हुआ है।
तो आज जैसे कि मैंने कोई ब्लॉग सुन नहीं, क्योंकि मेरा काम ऊपर का था, तो आज मैं वही कर रही थी और उसी में मैं थक गई थी क्योंकि धूप में था। धूप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज थी और इस वजह से मेरे रोज सिर में दर्द हो रहा है जब से मैंने छत का काम स्टार्ट किया है, क्योंकि धूप में मैं खड़ी होती हूँ और मेरा सर बहुत गर्म हो जाता है। फिर दोपहर में ऐसा लगता है जैसे कि मैं कितनी बीमार हूँ, डली रहती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा मैं अपने आप को सही महसूस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं आज मतलब अपनी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ मीशो की। तो फिर मैं लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से मीशो की शॉपिंग। तो इस बार मैंने की है, देखिए मैंने आपके साथ कपड़ों की शॉपिंग शेयर कर दी, अपनी किचन की शॉपिंग शेयर कर दी, होम डेकोर की भी मैंने शॉपिंग शेयर कर दी है, लेकिन मैंने ज्वेलरी शॉपिंग शेयर नहीं की है। हाँ एक दो बार मैंने एक आध चीज़ बताई है, लेकिन इस बार मैंने एक साथ बहुत सारे ज्वेलरी शॉपिंग की है। तो मैंने कि चलिए आज मैं अपना ज्वेलरी हॉल आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा है, आप लोगों के साथ आप लोगों के हिसाब से शायद कम होगा, क्योंकि आइटम थोड़े से मेरे लिए ज़्यादा हो गए हैं। तो और ये चुन्नी कैसी लग रही है ये बताना, अच्छी लग रही है ना? तो मैंने इस वाले सूट के साथ ले ली, क्योंकि ये वाले सूट के साथ चुन्नी नहीं थी, तो मैंने कि चलो इसको ही ओढ़ लेती हूँ और वीडियोज़ में अच्छी भी लगेगी, है ना? तो ये है मेरे मीशो की ज्वेलरी शॉपिंग, और इन बॉक्सों में सामान डबल डबल रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पॉलीथीन वगैरह में रैप होकर आती हैं, तो उनको भी मैंने इस डब्बे में रख दिया है। तो ये मैंने इस बार शॉपिंग की है और इसमें आपको एक तरह की चीज़ नहीं मिलेगी, अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं मीशो ज्वेलरी हॉल। तो हॉल शेयर ये देखिए मैंने इयररिंग वगैरह भी उतार दिए हैं, क्योंकि इयररिंग मंगाए ना मैंने इसलिए। तो मीशो की शॉपिंग शेयर करने से पहले जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ मीशो के बारे में थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा ही बताऊंगी, कि फर्स्ट नंबर पर मीशो एक रीसेलर ऐप है जिसके साथ हम घर बैठे बिना इन्वेस्ट किए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्ट है और शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है, तो आप बिना फिकर बिना टेंशन के शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है बहुत ही सेफ्टी के साथ होता है, ग्लव्स मास्क और सैनिटाइजर होकर होता है। जो भी वर्कर काम करते हैं वो मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, और जो भी पार्सल आते हैं वो सैनिटाइज होकर आते हैं, और यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय आता है वो मास्क और ग्लव्स पहनकर आता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, बिना फिकर के बिना टेंशन के हम शॉपिंग कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कमेंट आते हैं कि आप लोगों को जो है प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं लेकिन हमें नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि गुलाबसा ने भी देखो शॉपिंग की थी तो उसके प्रोडक्ट अच्छे आए थे, उसने बताया था और वीडियो में भी शेयर किया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमें अच्छे देंगे आपको गलत देंगे, तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट तो सभी को सेम आते हैं, तो और डिलीवरी भी अच्छी होती है, और कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, जो कि हम मार्केट में नहीं कर सकते हैं। 75% मार्केट में कोई भी चीज़ के देकर पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग, जो भी मैंने खरीदा है, और इन सभी के जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि इनके लिंक नहीं होते हैं, इनके कोड होते हैं, और मीशो ऐप का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर मैं दिखाती हूँ ये अंगूठियाँ जो मैंने मंगाई हैं कॉम्बो में, और ये स्ट्रिपी में आई थी रखकर अलग अलग पॉलीथीन में रैप होके, और इसमें रख के और बबल्स रैप में अच्छे से रैप होकर आती हैं, और मैं खोल लेती हूँ निकाल लेती हूँ। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे दिखाते हैं आपको अपनी रिंग, लेकिन हाँ इनके साथ एक झोलझाल हो गया है, वो करा है हमारी इनाया ने, क्योंकि जैसे ही ये पार्सल आया था तो मैंने इसको देखा, क्योंकि जो भी पार्सल आते हैं तो मैं झट से जो है निकाल कर देखती हूँ, तो फिर इनाया ने मुझसे ले लिया, मैंने दे दिया। और उस लड़की की ऐसी आदत है कि कोई भी चीज़ को फटाक से तोड़ना है, खोलने की चीज़ होगी तो उसको खोल देगी, निकालने की चीज़ होगी तो उसको निकाल लेगी, मतलब इस तरीके से तोड़ू फोड़ू लड़की है वो। तो उसने जैसे ही मेरी अंगूठियाँ आई, उसने इसका मोती निकला तो उसने निकाल दिया, मतलब ये यहाँ पे तार लगा हुआ है उसमें ये लगे होंगे मोती, इस तरीके से दो मोती लगे थे और इसने मेरे मोती निकाल दिया और एक खो भी गया है। तो ये उस साइड से नहीं हुआ है, उस साइड से टूटा नहीं आया था, बिल्कुल बढ़िया आया था, और वो अगर हम पहनते भी तो भी नहीं निकलता, लेकिन अब
हम जानबूझ के किसी चीज को तोड़ेंगे तो वो तो टूटेगी, सही बात है ना। अगर हम मार्केट से भी लाते हैं तो भी अगर हम उस चीज को खींचेंगे, जैसे कि ये लेस लगी अभी तो सही लगी, अगर मैं इसको खुद खींचूंगी नोचूंगी तो ये टूटेगी ना, तो इस तरीके से की है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैंने उसको क्यों दी, कहीं ना कहीं उसकी गलती है उसने तोड़ दी। तो चलिए ये इस तरीके की है, इसमें दोनों साइड मोती लगे थे जो कि मुझे एक नहीं मिला, यही मिला है तो मैं इसको चिपका लूंगी। तो ये एक अंगूठी है और दूसरे नंबर पे एक ये मोती है ये, और इसमें कलर भी है मोती में, रेड कलर है पिंक कलर है, तो इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। और एक ये है, तो इस तरीके से ये तीन अंगूठियां हैं, ये देखिए। बस इसमें थोड़ा मोती लगा था तो और अच्छी लग रही थी ये, लेकिन हमारी इनाया ने वहाँ, चलिए वैसे भी ठीक लग रही, मैं इसके आगे मोती लगा लूंगी तो अच्छी लगेगी। तो ये मुझे कॉम्बो सेट में मिली है, तीन अंगूठियाँ, और ये अमेरिकन डायमंड जो होता है ना वो है ये, और बीच में इसमें ग्रीन कलर का भी लगा है, तो अपने सूट साड़ी से मैचिंग करके भी मंगा सकते हैं और इसको पहन सकते हैं। तो ये मेरे मैच हो रही है, जैसे कि ग्रीन कलर मेरे दुपट्टे में है तो मैच हो रही है ना। तो ये हो गई अंगूठियाँ, और इसका जो रेट है आपको प्राइस है स्क्रीन पर दिख जाएगी कितनी है, और ये अलग अलग भी मिलती हैं, लेकिन मुझे तीनों चाहिए तो मैंने कॉम्बो सेट ले लिया, और मैं ज़्यादातर कॉम्बो सेट बहुत लेती हूँ। तो फर्स्ट हो गया ये, और दूसरे नंबर पे मैंने मंगाई ये वाली इयर रिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी है, शादी के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं पता ये बहुत टाइम से सोच रही थी लेने को, लेकिन ली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं ली ऐसे। तो ये है झुमकिया इयर रिंग बोलेंगी ना, ये लेयर वाली, और ये झुमकिया, और इसमें छोटी छोटी झुमकियाँ हैं, और ये गोल्ड कलर में है, और इसमें मोती का भी काम है। अगर हम किसी भी लहंगे के साथ खाली ये पहन लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। जैसे कि मैं पहन कर दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने पहन ली है ये, तो ये देखिए इसका पूरा लुक। अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, और मैं यहाँ पे लेने गई थी तो बहुत ज्यादा महंगी दे रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से ले ली, और लेकिन मीशो पे जो प्राइस है बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने कि चलो अब तो मैं ले ही लेती हूँ। और हम इसको इस तरीके से पहन कर हम इस तरीके से चुन्नी लगा सकते हैं। तो ये है मेरी इयर रिंग, और इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है, मतलब वजन तो है लेकिन इतना नहीं है जितना होता है बहुत सी इयररिंग होती है तो कि कानों में दर्द होने, लेकिन इनसे नहीं होगा क्योंकि इतना वेट नहीं बनाया, देखने में हैवी लग रही है लेकिन इतनी हैवी नहीं है ये, और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक मैंने मंगाया है ये ब्रेसलेट, तो ये देखिए ये भी मोती की है, और ये ब्रेसलेट भी जो है इत्तेफाक से मोती का आया है, तो इसको मैं पहन के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पहन लिया है ये ब्रेसलेट, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और इसमें यहाँ पर ये मोती की लटकन दी गई है, यहाँ पे पिंक कलर के हैं, और ये वाइट क्रीम और गोल्ड कलर के मोती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये चेन दी गई है, और एक लॉक दिया गया जिसके जिससे हम इसको टाइट और ढीला कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। और ये मेरा पूरा सेट बन गया है, क्योंकि इसमें भी ग्रीन कलर है, इसमें भी ग्रीन कलर है ना, अच्छा लग रहा है ना। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसमें यहाँ पे कुंदन भी लगे हुए हैं, वाइट कलर के भी स्टोन है इसमें, और ये मोती का भी काम हो रहा है, और मोती का यहाँ भी काम हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम शादी पार्टी वगैरह में पहन कर जा सकते हैं। और तो इसकी प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं धीरे धीरे पूरे ज्वेलरी जो है पहनती जा रही हूँ, क्योंकि जो अब सेकंड नंबर पे है वो है कंगन, तो मैंने इस बार तो है दो जोड़ी कंगन मंगवाए हैं, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने फर्स्ट बार जो है ज्वेलरी शॉपिंग की है, तो
सिर्फ पहले नेकलेस सेट जरूर मंगाए थे मैंने, लेकिन इयररिंग है, ब्रेसलेट है, ये चीज मैंने पहले नहीं मंगाई। तो आ जाते हैं कंगन पे, तो ये है दो कंगन गोल्ड कलर में, और ये इस तरह का काम हो रखा है इस पे भी ग्रीन और रेड कलर का, और ये जो है लॉक वाले हैं इस तरीके से, मतलब इसमें हम छोटा साइज भी मंगा सकते हैं, मतलब साइज का वो नहीं है कि अगर छोटा ज़्यादा है तो भी ये पहन जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें लॉक वाले हैं ये, और इसको मैं पहन, तो हाँ जी हो गए हम रेडी। तो ये कंगन मैंने पहन लिया है, ये देखिए मैंने पूरा लॉक नहीं लगाया क्योंकि मैंने क्या अभी फिर उतारना पड़ेगा इसलिए, और इनको हम डेली यूज में भी पहन सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल से ज़्यादा वो नहीं है, और फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना इन चीज़ों की कि बिल्कुल चुभने वगैरह का कोई काम नहीं है। कभी कभी ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीचे से फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, फिनिशिंग ऐसी होती है कि चुभती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सफाई से बनाया गया है, और डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ना। तो ये इस तरीके से दो कंगन आए हैं, तो ये हो गया मेरा पूरा सेट, हो गई मैं रेडी। तो अब बोलो कहाँ जाऊँ मैं क्योंकि ब्रेसलेट भी पहन लिया, यार रिंग भी पहन ली है मैंने, तो एक रिंग इसमें पहन ली है और ये मैंने ब्रेसलेट पहन लिया है, और कंगन भी है, इयररिंग भी है, तो चलिए हो गए हैं रेडी। ओके तो ऐसे रेडी होकर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, शादी फंक्शन वगैरह में, है ना। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि चूड़ियाँ तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर कभी कभी हम कंगन वगैरह पहन के ब्रेसलेट पहन कर भी चले आए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इन कंगन की प्राइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के कंगन पे, तो ये मंगाए मैंने डेली यूज के लिए, जो कि बड़े ही प्यारे और हल्के हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देखिए बहुत अच्छा है, और कलर भी मतलब बिल्कुल बढ़िया दिया है गोल्ड वाला तो मम्मी जी जब खरीदती थी ना तो मम्मी बोलती थी सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, तो मम्मी बहुत डांटती थी, लेकिन मैं इस तरह के कंगन वगैरह ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, तो मैंने पहली बार, क्योंकि हमेशा मम्मी ही लाकर रख देती थी तो वही पहन लेते थे, लेकिन अब तो ये है दूसरे नंबर के कंगन, और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो अभी लास्ट में मैं इनको पहन लूँगी, तो मैं डेली यूज में इनको पहनूंगी, इनको तो नहीं पहनूंगी फिलहाल को, इनको मैं शादी वादी के लिए रख लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ओके, तो इनकी प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख लेना। और अब आ जाते हैं हम अपनी एक और सेट पर जो मैंने मंगाया है, इसको पूरा फुल सेट है ये, इस तरीके से डब्बी में आया है, और इसको हम कोई भी वेस्टर्न ड्रेस या सिंपल सी गाउन वगैरह वैसे ही हम जा रहे हैं कहीं पर तो हम पहन कर जा सकते हैं, घूमने करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिया गया है, जैसे कि ब्रेसलेट है, घड़ी है, इयररिंग है, और नेकलेस है, तो सारी चीज़ें हैं, अंगूठी है, सब कुछ है इसमें। तो ये है ब्रेसलेट, ये हार्ड और इस तरीके से फूल के डिजाइन में दिए गए हैं, सारी चीजों में यही है, और रेड कलर का है, और इसमें कलर ऑप्शन नहीं है, कलर ऑप्शन लेंगे ना तो दूसरे डिजाइन चेंज हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये मैंने मैरून कलर है, ये रेड कलर, ये ब्रेसलेट हो गया, ये इसकी रिंग है, और ये इसके छोटे छोटू से इयररिंग जो कि बड़े प्यारे लग गए, और ये इसका एक नेकलेस है, नेकलेस सेट, पेंडल सेट जो भी बोलेंगे इसको, इसमें एक चेन दी गई है और ये पेंडल दिया है, पेंडल पे कमेंट मत करना, मैं पेंडल ही बोलती हूँ इसके साथ हमें मिल जाती है घड़ी, ये देखिए वॉच, जो कि हमें चेन के साथ मिलेगी, इसको हम टाइट और ढीली कर सकते हैं, और इसके साथ चारों तरफ जो है ये स्टोन लगे हुए हैं,
तो ये पूरा सेट मिला है, तो इसको मैं पहन के बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये सेट पहन लिया है, और ये देखिए इसके इयररिंग बड़े ही प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से। और ये इसका नेकलेस और वॉच, और ये है इसका ब्रेसलेट और अंगूठी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि हम कुछ पहने हैं, और ये बिल्कुल मतलब अच्छा है अगर हम कहीं घूमने करने जा रहे हैं तो इस तरीके से ही हम ज्वेलरी सोचते हैं कुछ हल्की फुल्की पहन कर डाल कर चले जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और चलिए इसकी आप लोगों ने देख लिया होगा इसकी प्राइस, और अब बात करते हैं हम वॉच की, क्योंकि अब एक वॉच तो मैंने दिखा दी, तो ये तो मेरे सेट के साथ आई है, लेकिन दो वॉच मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है, कॉम्बो सेट में नहीं है, अलग अलग मंगाई है। तो फर्स्ट मैंने मंगाई है ये ब्लैक कलर की, जिसमें ये स्टोन का काम हो रहा है यहाँ पर पूरे में, और ब्लैक कलर में है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। अंदर दो हार्ड बने हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली वॉच, तो इसलिए मैंने मंगा ली इसको। और कलाई में भी देखिए ब्लैक कलर की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख लेना, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी वॉच मिल रही है। और इसकी जो ये चेन है अच्छी खासी चौड़ी है, तो इस तरीके की वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और यहाँ पर भी मतलब पूरा काम दिया गया है, ये देखिए। तो सेकंड नंबर पे मंगाई मैंने ये कॉपर कलर में एक वॉच, जिसमें ये ब्लू कलर का ये स्टोन लगा हुआ है, और अंदर भी इसके स्टोन लगे हुए हैं चार, मतलब 12 पे 3 पे 6 पे 9 पे, इस तरीके से चार लगे हैं। और इसके अंदर भी इत्तेफाक से दो हार्ट बने हुए हैं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी वॉच है, तो इसकी प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख लेना। और ये भी हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये देखिए। वॉच तो चाहे पतली हो, किसी को पतली चेन की पसंद होती है, किसी को चौड़ी चेन की पसंद होती है, लेकिन मेरी ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे बस चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, मैं ले लेती हूँ, और अच्छी लगती है, मेरे हाथ पर अच्छी लग रही है ना। तो ये हो गई मेरी दो वॉच, और एक हाथ में पहने हो, तो इस तरीके से मेरी तीन वॉच हो गई इस बार। तो मैंने बोला था ना कि मैंने इस बार बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, और इस बार की शॉपिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट पर, जो है मेरा एक नेकलेस सेट, और ये इतने कम रेट का था कि मैं इसको छोड़ नहीं पाई, ले लिया मैंने, क्योंकि इतनी कम प्राइस में हमारे यहाँ तो मैं सोच ही नहीं सकती। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ये इयररिंग इसके, जो कि बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ग्रीन कलर का नग लगा हुआ है इसमें बड़ा, और वाइट कलर के भी लगे हुए हैं, और जो कि हमारी रेड ड्रेस के साथ तो आप पहन ही सकते हैं, मतलब और भी ड्रेस के साथ ये जाएंगे बहुत अच्छे से। और इसके साथ हमें मिल रहा था बहुत ही प्यारा सा ये नेकलेस सेट, वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। तो साड़ी के साथ, गाउन के साथ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, ज़्यादातर ये गाउन वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, और इसकी मोती की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर भी बहुत काम मिल जाता है आपको इतनी प्राइस में, लोकल मार्केट में हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता है जितना यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए इसको पहन कर दिखाती हूँ। तो ये लो जी मैंने पहन लिया है ये सेट, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, इसके इयररिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और नेकलेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरे गाउन पर बहुत प्यारा लगेगा। और इसके साथ मैंने ये कंगन पहन लिए हैं, जो मैंने अभी बोला था ना मैं इनको डेली यूज में पहनूंगी, तो मैं इनको डेली यूज में पहनूंगी, तो मैंने ये पहन लिए हैं। और नेकलेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब मैं खुश हो गई। और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी इन ज्वेलरी में से कोई सी भी ज्वेलरी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ परचेस जरूर करना, एक बार आप यहाँ से शॉपिंग करके देखिए। चलिए आप इस वाले नेकलेस को मंगा कर देख लीजिए, ठीक है।
आप इसका कोड नंबर डालिए मीशो ऐप पर, आप इसको परचेज करके देखिए, आपको ये जरूर पसंद आएगा। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और पहनने पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हम इस तरीके से इसको पहन कर जा सकते हैं कहीं पर भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा हमें ये लुक देगा। ये देखिए, सिंपल से सूट के साथ सिर्फ एक मैंने ये नेकलेस डाली है और ये चुन्नी डाली है, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर मेरी ज्वेलरी में से कोई भी ज्वेलरी आपको पसंद आई है तो आप परचेस कर सकते हैं। इनके सारे के कोड मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं। और मीशो ऐप का भी लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप लोग बताना जरूर कमेंट करके मुझ पर ये नेकलेस और मेरी ज्वेलरी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।